पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ऑप्टिक ग्लास तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कलर्ड ग्लास और प्रोसेस्ड ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये कलर्ड ग्लास बनती कैसे है। तो कलर्ड ग्लास बनती है सोडा लाइम ग्लास से, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता दोस्तों ये सोडा लाइम ग्लास जो है, सोडा लाइम ग्लास कैसे बनती है हमें पता है। इसके लिए क्या क्या मिक्सचर यूज़ किया जाता है हमें पता है। लेकिन सोडा लाइम ग्लास क्या होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। तो जो मिक्सचर होता है ना दोस्तों, उस मिक्सचर के अंदर अगर आप मेटल के ऑक्साइड डालो, डिजायर्ड मेटल के ऑक्साइड, जो कलर चाहिए आपको वो मेटल का ऑक्साइड डालना होगा आपको, ठीक है। तो ये सोडा लाइम ग्लास तैयार करते वक्त जो मिक्सचर है दोस्तों, ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर अगर आप मेटल के ऑक्साइड डालो तो वो जो है कलर्ड ग्लास बन जाएगी। तो इसको लिखना कैसे है देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो सोडा लाइम ग्लास जो है ये कलरलेस होती है। तो जब सोडा लाइम ग्लास प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है, उस टाइम पे जो मिक्सर यूज़ करते हैं, उस मिक्सर के अंदर अगर मेटल के ऑक्साइड डालो आप, तो वो कलरफुल गैस, कलरफुल ग्लास बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर, सो टू गिव डिजायर्ड कलर टू सोडा लाइम ग्लास, इस सोडा लाइम ग्लास को अगर आप डिजायर्ड कलर कोई देना चाहते हैं, रेड या ब्लूइश ग्रीन, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ स्पेसिफिक मेटल्स आर एडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। उस मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपको क्या करना होगा, मेटल के ऑक्साइड डालने होंगे उसके अंदर, ठीक है। और कौन से मेटल का ऑक्साइड कौन सा कलर देता है वो ध्यान में रखना होगा आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड भी बोला जाता है, क्योंकि आयरन का मतलब ही फेरस है, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर। ब्लूइश ग्रीन कलर चाहिए तो मिक्सचर में आपको आयरन ऑक्साइड डालना होगा, या आयरन का जो मेटल है इसका ऑक्साइड डालना होगा। और अगर आपको ग्लास का कलर रेड चाहिए तो आपको कॉपर ऑक्साइड डालना होगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग मेटल के ऑक्साइड्स हैं, वो सब ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लास्ट नंबर का ग्लास का टाइप, जिसका नाम है प्रोसेस्ड ग्लास, ठीक है, प्रोसेस्ड ग्लास। तो ये प्रोसेस्ड ग्लास क्या होती है देखिए दोस्तों, अगर किसी भी ग्लास के ऊपर प्रोसेस किया जाए, ठीक है, तो उसको प्रोसेस ग्लास बोलते हैं, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज की जाती है, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज की जाती है, उसको प्रोसेस ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना कैसे देखिए दोस्तों, तो ये प्रोसेस ग्लास की डेफिनेशन कैसे लिखोगे दोस्तों, इफ़ सम प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द ग्लास, इट्स प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेस्ड ग्लास, ठीक है। मतलब अगर किसी ग्लास के ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो, कुछ तो प्रोसेस करोगे ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज होती है तो उसको प्रोसेस ग्लास बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए फाइबर ग्लास, ठीक है, ये फाइबर ग्लास ऊपर से फेंकने पर इसे ब्रिटल नहीं होती, टूटती नहीं है, जिसको कि ऊपर का रूफ़ के जो मेटल शीट्स होते हैं उसको बनाने के काम में आते हैं ये फाइबर ग्लास के दोस्तों। स्पेक्टेकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो टाइप्स ऑफ ग्लासेस हैं ये पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1D एक्सरसाइज के अंदर का, डैश डैश ग्लास डिजॉल्व्स इन वाटर। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है, ये ब्लैंक में आपको क्या करना है, नाम लिखना है ग्लास का। तो कौन सा ग्लास दोस्तों पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं अल्कली सिलिकेट ग्लास। अल्कली सिलिकेट ग्लास जो है ये पानी के अंदर डिजोल्व होता है, तो यहाँ पे अल्कली सिलिकेट लिखना होगा आपको। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या करना है, मैच द पेयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हु इज़ माई पार्टनर, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच द पेयर्स करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए ग्रुप ए के अंदर लीड ग्लास। तो लीड ग्लास जो है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, लीड ग्लास जो है बहुत ही क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना है दोस्तों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ। एग्ज़ाम में आपको ऐसे कनेक्ट नहीं करना है, एग्ज़ाम में उसके सामने आंसर लिखना है, आपके स्कूल में जो बोला जाएगा वो आप करिए। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों, बेकेलाइट एक टाइप का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के काम आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर दोस्तों थर्माकोल जो है प्लेट्स बनाने के काम आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थर्माकोल को किससे कनेक्ट करेंगे, ये प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग। फिर दोस्तों ऑप्टिक ग्लास, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक ग्लास जो है लेंसेज बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक ग्लास को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे लेंसेज के साथ। और फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पर पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन जो है ये टॉयज़ मैट्रेसेस बनाने के काम आता है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मैट्रेसेस के साथ, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर।
दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6B। नोट लिखनी है आपको, शॉर्ट नोट लिखनी है। और किसके ऊपर लिखनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्टिक ग्लास के ऊपर लिखनी है, ठीक है। तो अभी अभी हम देख चुके हैं दोस्तों ऑप्टिक ग्लास जो है, ये ऑप्टिक ग्लास को तैयार कैसे किया जाता है और इसके यूजेस क्या है, इतना आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लास्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ये पार्ट खत्म होता है ऑलमोस्ट, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करिए।